जय हिंद साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती 2022 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 37,000 पदों पर सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पदों का बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर पूरी जानकारी आपको विद प्रूफ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं, आखिर कब तक इसके रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, साथ ही बात करने वाले इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई का मोड आप लोगों का क्या होगा, रिक्रूटमेंट का जो कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी होगी वो क्या सीआईएसएफ करवाएगी या फिर एसएससी के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले तो आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप भी एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है, जो कि संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें 2500+ बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 3 सॉल्वड पेपर, साथ ही इसका प्रैक्टिस वर्कबुक भी आ चुका है। और दोनों ही बुक है दोस्तों, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही इसे अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके आप इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट को लेकर न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल छप चुका है, जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेकर है। साफ साफ लिखा गया है कि सीआईएसएफ में 37,000 अतिरिक्त जवान होंगे भर्ती। जी हां दोस्तों, और यह बड़ा निर्णय लिया गया है एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर। जी हां दोस्तों, इन सुरक्षा को लेकर, मजबूत करने को लेकर यह बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों को आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो मेट्रो हो या फिर एयरपोर्ट वगैरह हो या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा है वो सीआईएसएफ कांस्टेबल के जवानों को ही यहां पर रहता है। और इसी बीच दोस्तों इन सभी की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सीआईएसएफ और गृह मंत्रालय की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त 37,000 जवान है वो भर्ती किए जाएंगे, जिससे कि रेलवे के साथ ही एयरपोर्ट के साथ ही मेट्रो और बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अहम भूमिका ले सके। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि 65,000 पूर्व सैनिक बनेंगे ट्रेनर। जी हां दोस्तों, साथ ही में ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी काफी बड़ी भर्तियां सीआईएसएफ में अब होने वाली है। इसको लेकर मैं आपको बता देता हूं कि इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी, तो यहां पर 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 10वीं पास है, और आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 साल मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम अगर आपकी एज 23 साल है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी वाले 26 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे, वही एससी और एसटी वाले कैंडिडेट है वो 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो मिनिमम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है या फिर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में अतिरिक्त छूट यहां पर दी जाएगी। वही आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अगर बात करें तो एसटी फीमेल, साथ ही हिल एरिया से बिलोंग करने वाली फीमेल कैंडिडेट को यहां पर अलग से हाइट में भी छूट यहां पर दी जाने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो सीआईएसएफ की तरफ से होगा या फिर एसएससीजीडी की तरफ से होगा, तो इसको लेकर दोस्तों इस न्यूज़पेपर में कोई भी अपडेट नहीं बताई गई है। लेकिन अगर बात करें तो सीआईएसएफ का जो रिक्रूटमेंट 37,000 पदों पर होने वाला है वो एसएससीजीडी 2022-23 का नोटिफिकेशन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों 2022-23 का जो कैलेंडर है वो एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कांस्टेबल के जितने ही कैप्स के जो रिक्रूटमेंट होते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के, उन सभी को कंडक्ट करवाने का काम है वो एसएससी की तरफ से ही किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बड़ा रिक्रूटमेंट इस बार 2022-23 की एसएससीजीडी में देखने को मिल सकता है। साथ ही आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।